आज मैं रिव्यू करूंगा एयर सीआर की फ़्लाइट कराची से इस्लामाबाद की। तो रिव्यू करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि इस फ्लाइट का जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का है और इस टिकट का जो प्राइस है कराची से इस्लामाबाद का वो 20,000 रुपये है जिससे मैंने खरीदी। लोवेस्ट टिकट का जो प्राइस होता है वो तकरीबन 18 से 19 हज़ार रुपये होता है, बट वो बढ़ते बढ़ते 20, 22, 25, 30 हज़ार तक जाता है, तो मैंने उसको 20,000 में परचेस किया। दैट्स नंबर वन। अब दूसरी बात करते हैं, 20,000 रुपये टिकट का प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन डोमेस्टिक एयरलाइंस की कुछ मोनोपोली इस तरीके से हो गई है कि ये लोग मिल के प्राइस डिसाइड करते हैं और प्राइस तकरीबन सेम होता है। तो इसी रेंज के अंदर उसी डेट में मैं जब चेक कर रहा था एयर ब्लू PIA, तो उनका भी ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस था। तो इस चॉइस के अंदर, इस प्राइसिंग रेंज के अंदर ये अच्छा प्राइस है। वैसे प्राइस अगर ज़्यादा कंपटीशन होता है, ज़्यादा एयरलाइंस होती हैं, तो प्राइस 10 से 11 हज़ार रुपये बहुत रीज़नेबल है फॉर इस्लामाबाद। अब बात करते हैं कि एयर सियाल एक बिल्कुल नया इक्विपमेंट लेके मार्केट में आई है। A320 ये लोग यूज़ कर रहे हैं और बिल्कुल नई एयरलाइन है। तो चल के इनका जहाज़ देखते हैं और फिर बाकी फीडबैक जहाज़ देख के देखते हैं कि जहाज़ कैसा है इनका और सर्विसेज कैसी हैं। अभी तक मैंने सिर्फ चेक इन कराया है, तो चेक इन का प्रोसेस तो बहुत स्मूथ था, बड़ा मज़े का था। सबसे अच्छी बात यह कि कस्टमर सर्विसेज पे काम कर रहे हैं, बंदी ने बड़ा स्माइल करके तरीके से जो है वो बोर्डिंग पास हैंड ओवर किया, विच इज़ द बेस्ट थिंग। एयर सियाल का ना आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, आई एम श्योर कि बाकी काफ़ी सारे लोगों को इसका नहीं पता होगा। एयर सियाल मतलब जो ये सियाल लफ्ज़ है, ये सियालकोट से निकला है। और सियालकोट क्यों यहाँ पर यूज़ किया गया है, वो इसलिए क्योंकि ये एयरलाइन जो है वो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एयरलाइन है। मतलब इसकी जो पैरेंट कंपनी है वो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रिसर्च सेंटर कंपनी है। ये जिस तरीके से सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपना एयरपोर्ट बनाया सियालकोट एयरपोर्ट के ऊपर, इसी तरीके से अब इन्होंने अपनी एयरलाइन भी लॉन्च कर दी है एयर सियाल के नाम से। ऑल तो इस फ्लाइट का अभी ऑपरेशन सियालकोट में नहीं है क्योंकि इतना ट्रैफिक नहीं है बिटवीन सियालकोट कराची और सियालकोट इस्लामाबाद और एनीवेयर इन नियर बाय, बट दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम द चैम्बर ऑफ सियालकोट कि उन्होंने अपनी एयरलाइन स्टार्ट की है फ्रॉम पाकिस्तान। बोर्डिंग पास काउंटर पर मैंने चेक किया तो उन्होंने मुझे बताया कि फ़्लाइट जो है वो पैक्ड है, मतलब कम्प्लीटली फुल है। इस फ्लाइट की जो कैपेसिटी है वो 168 पैसेंजर्स की है। तो लेट्स सी। अच्छा, एक मज़े का सीन है, इस वक्त शाम के 6:40 हो रहे हैं, 6:50 पे रोज़ा खुल रहे हैं, हम लोग फ्लाइट में जा रहे हैं। कभी कभी ना एयरलाइंस को एक ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है जहाँ पे उनको खुद ही पता होता कि करना क्या है। अब रोज़ा खुलवाने का टाइम है, 5 मिनट बाद रोज़ा खुलना है, सीटिंग की एडजस्टमेंट भी करनी है, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। ये देखते हैं कि एयर सियाल कैसे हैंडल करती है इस सिचुएशन को और यहीं से पता चलेगा कि हाउ गुड दे आर एट सर्विसेज। रोज़ा अफ्तार हो चुका है, फ़्लाइट में मैं बैठ गया हूँ, पानी पी लिया है। अच्छा, एक खजूर भी इन लोगों ने दी थी, वो खजूर भी खा ली है, लेकिन मील का कोई दूर दूर तक सीन नहीं है। मेरे ख्याल में वो इसलिए क्योंकि अभी फ़्लाइट जो है वो डिपार्ट ही नहीं हुई है, तो फ़्लाइट डिपार्ट होने से पहले मील देना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इस सिचुएशन को थोड़ा बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था कि 2 मील जो एयर सियाल प्रोवाइड करती है उसकी जगह कोई एक स्नैक एटलीस्ट रोज़ेदारों को अगर प्रोवाइड कर देते तो कंपैरेटिवली सिचुएशन बेहतर रहती। रोज़ा इफ्तार होने के तकरीबन कोई घंटे के बाद जो है वो इफ्तार सर्व हुआ है। फूड क्वांटिटी इज़ वेरी गुड, क्वालिटी इज़ आल्सो वेरी गुड। 2 मील सर्व कर रहे हैं टुगेदर विद डिज़र्ट एंड रायता। अब बात करते हैं लेग स्पेस सीट्स की, तो अच्छी सीट्स हैं, लेग स्पेस सीट्स ठीक है। मेरी हाइट 5'10" है तो लेग स्पेस सीट्स ठीक हैं, मैं एक नॉर्मल एवरेज सीट पे बैठा हूँ तो अच्छा खासा स्पेस आप देख सकते हो कि यहाँ पे है। और मेरे आगे वाले जो बंदा है इसने थोड़ी सी सीट रिक्लाइन भी की हुई है, तो उसके मुकाबले में जो लेग स्पेस सीट्स हैं वो कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। बाकी अगर इक्विपमेंट की बात करें तो इनके पास ब्रांड न्यू इक्विपमेंट्स हैं, विच मीन्स आपको फ़्लाइट के अंदर बड़ी फ्रेश सी फीलिंग आ रही होती है। स्टाफ भी सारा नया है तो बड़ा यंग एनर्जेटिक है टूवर्ड सर्विसेज। फ़्लाइट भी बहुत अच्छी रही, पायलट्स भी बहुत क्वालिफाइड हैं, तो ओवरऑल एयर सियाल इज़ अ बेटर ऑप्शन टू फ्लाइट मास्टिक। ये सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कार्ड हर फ्लाइट में होता है, एक दफ़ा पढ़ लें तो अच्छा है, आपको एमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने का थोड़ा सा आसान तरीका आ जाएगा। आइडियली पढ़ लें तो बहुत अच्छा है। मेरा बैगेज सबसे पहले आ गया है थैंकफुली, अब बैगेज कलेक्ट करके गोइंग बैक टू होम। द फ्लाइट सर्विसेज वाज फैंटास्टिक एक्सेप्ट फॉर अफ्तार, एवरीथिंग वेंट रियली वेल, सो गुड जॉब एयर सियाल।